हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं रशिया में कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पहुँच के कैसा क्या होता है रशिया में कैंपिंग, आपको सब कुछ दिखाएंगे। जहाँ पर हम जा रहे हैं वो यहाँ से है करीब 80 किलोमीटर दूर, और वहाँ पर पहुँच करके हम दिखाते हैं वहाँ का व्यू आपको, कैसा रहेगा हमारा कैंपिंग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। निकल रहे हैं अब हम, और ये हमारे 10 लोग का सामान है पूरा। इसमें टेंट है और ये मैट। अभी जाना वहाँ पर है, वहाँ पर भाई ये दो गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाएं, क्योंकि रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे जा पाते हैं आगे। भाई आ तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन अब देख रहे हैं कैंपिंग के लिए सही लोकेशन क्या रहेगी, नीचे जाकर के देखते हैं। अभी थोड़ा और नीचे होगा शायद, बस सामान है मेरे हाथ में अभी बहुत। तो भाई फाइनली लोकेशन पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम कैंप करने वाले हैं। अभी आज डेट है 10 जून, लेकिन सर्दी यहाँ पर अभी भी अच्छी खासी है। अभी टेम्परेचर +9 +10 ऐसा जा रहा है हर रोज़। अबे निकल गया भाई, हूँ नहीं, ये दो हुक नहीं किया ना, ये आग बचाने आ रही हूँ। अरे बारिश आ चुकी है, खाना बनाते टाइम सबको सबको चाय मिला,
नहीं टू डे जूते गंदा मत करो उस साइड बैठ जाओ ऑलरेडी बहुत हार्ड है वो रुक इसको दो और कर महाराज ग्लव्स लाया हां ग्लव्स है बताइए ये लीजिए लेकिन सुबह और लिया था ना मजा आती दिन मिलता पूरा थोड़ा बारिश वगैरह हो गया लेकिन फाइनली सब सेट कर दिया सुबह तक भी हो जाएगा उधर ये रख दे हड्डी एवरीबॉडी कीप डांसिंग अभी ऑलरेडी रात के 3 बज चुके हैं और अभी भी कोई सोया नहीं है, सब अभी बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और अब सुबह के 4 बज चुके हैं और अब जाकर के मैं लेटा हूँ कैंप के अंदर। और अभी भी मेरे सारे फ्रेंड्स लोग बाहर ही एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, रात में बहुत अच्छी नींद आई बिकॉज हम अपना ब्लैंकेट साथ लेकर के आए थे, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फाइनली कैंपिंग का सारा सामान पैक हो गया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सब कुछ साफ कर दिया है यहाँ से और अब निकल रहे। हाय अरुण भाई, हाय अरुण, थैंक यू फॉर द ट्रिप अरुण भाई, थैंक यू अरुण, थैंक यू, वेलकम ब्रो। ठीक और फर्स्ट टाइम कैंपिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ थोड़े बहुत मॉस्किटो थे लेकिन जब कैंप के अंदर गए तो एक भी मॉस्किटो नहीं लगा। और रशिया का मौसम तो ऐसा होता है कि कभी बारिश, कभी धूप और कभी फिर से मौसम अच्छा हो जाता है। यहाँ से जाते ही साथ पहले तो चाय बनाई थी, फिर उसके बाद खाना बनाया था, फिर उसके बाद सारे फ्रेंड्स लोग रात में 4 बजे तक एंजॉय करते रहे, फिर 4 बजे के बाद सब सोने लगे और फिर सुबह करीब 9 बजे उठे सब लोग। भाई रशिया में फर्स्ट टाइम कैंपिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब नेक्स्ट टाइम इंडिया में कैंपिंग करेंगे, देखते हैं इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा होता है।
थैंक यू।